हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्मी। आप लोगों का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं ललिता देवी मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए, जो कि नैमिष में है। आज मेरी बिट्टू पूरे 10 महीने की हो गई है, तो हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं माता रानी के। देखिए, मैं भी रेडी हो गई हूँ और मेरी बिट्टू भी रेडी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए कैसे मस्ती कर रही है। इसको बहुत जल्दी है जाने की। और ये मेरी सिस्टर है और सिस्टर की लड़कियां हैं और वो बेटा है, ये बेटी। ये लोग आए थे टहलने के लिए, तो इनको भी घुमाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है नैमिष, 4-5 किलोमीटर ही पड़ता है। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और देखिए, बिट्टू बहुत ही मस्ती कर रही है और इसको गाड़ी में बैठना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अमावस्या को ज़्यादा भीड़ होती है फ्रेंड्स यहाँ पे, और पूर्णमासी को, पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, और बीच में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन सब लोग आते जाते रहते हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं, तो ये दुकानें लगी हुई हैं गेट पे ही, और ये ललिता देवी मंदिर का जो है गेट बना हुआ है ये यहाँ पे। और यहाँ अंदर जो है, यहाँ पे प्रसाद जो है मिलता है, प्रसाद की दुकानें लगी हुई है यहाँ पे। जिसकी जैसी श्रद्धा हो, वो अपना उतने रुपए का वैसा प्रसाद लेके चढ़ाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद ले लिया है। चलते हैं मंदिर के अंदर। हम लोगों ने परिक्रमा शुरू कर दी है। कहते हैं 7 या 5 परिक्रमा करते हैं और उसके बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हमारे परिक्रमा लगभग पूरे हो गए हैं। और ये है प्रवेश द्वार जो है मंदिर के अंदर जाने के लिए। इधर महिलाओं का बना है और उधर पुरुषों का, 2 लाइनें बनी हुई हैं। ये मेन गेट है अंदर जाने के लिए ललिता देवी मंदिर में। और ये है मंदिर, यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं। और ये ललिता देवी माता की मूरत, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये छोटे छोटे मंदिर जो है चारों तरफ बने हुए हैं। हमने प्रसाद चढ़ा दिया है ललिता मंदिर में। और उसके बाद भी जो है मंदिर के बाहर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे लोग बेलपत्र, फूल, दूध वगैरह यहाँ पे चढ़ाते हैं और दान पुण्य भी अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे चुनरी लोग जो है प्रसाद में जो चुनरी होती है तो यहाँ पे बांध दी जाती है। और ये यहाँ पे हवन हो रहा है। हम लोगों ने पूजा हवन वगैरह कर लिया है और अब हम जो है कथा भी सुनेंगे। देखिए बिट्टू और मैं और ये मेरी सिस्टर है,
यहाँ पड़ोस में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी सब लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। एक मंदिर यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे हमने कथा भी सुनी है, यहाँ पे देखिए बैठने वाला बना है, और ये कथा की किताबें वगैरह रखी हैं, पंडित जी का सामान है यहाँ पे, ये भगवान यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे संतोषी माता का मंदिर भी बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना है। ललिता देवी मंदिर के अलावा छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं अन्य देवताओं के। तो हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं, ये देखिए हम लोग जो है उधर आ गए हैं। मंदिर में भी एक जो है कुंड बना हुआ था, ये छोटा चक्र तीर्थ है, और एक जो है बड़ा चक्र तीर्थ उधर बना हुआ है, तो वहाँ हम लोग नहीं गए थे। ये मंदिर के अंदर ही बना है, इसमें केवल लोग आते हैं, मथवानी लेते हैं, जल अपने ऊपर छिड़कते हैं, और जो वहाँ पे कुंड बना हुआ है तो उसमें स्नान वगैरह भी करते हैं लोग। यहाँ भी देखिए प्रसाद के लगे थे, और यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद वगैरह सुहाग की चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग भी यहाँ पे कर ली है, बिट्टू ने खिलौने भी लिए हैं यहाँ पे, कड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं मिश्रिख, और यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह की हम लोगों ने, यहाँ पे साड़ियाँ जो है हमने देखी, साड़ी वगैरह यहाँ पे मिलती हैं, बहुत ही अच्छी दुकान है ये, एक से एक साड़ी यहाँ पे मिल जाती है, आप जो भी लेना चाहें, काफ़ी बड़ी दुकान है यहाँ पे। ये यहाँ देखिए, तो अब हम थोड़ा सा दधीच कुंड की तरफ भी जाते हैं, जो सिस्टर को टहलना था, तो हमने आप लोगों को पहले ही दधीच कुंड के बारे में बता दिया, दिखाया था, तो ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा ही आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी काम चल रहा है, ये यहाँ पे देखिए दीवार बन रही थी, और ये कुंड बना हुआ है, और यहाँ पे मंदिर बने हैं छोटे से, चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और ये देखिए बिट्टू अब ये परेशान होने लगी है, अब इसको जाना है घर। देखिए पानी कितना शांत जल भरा हुआ है, और कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ खिलौने और ये गोलक टाइप में बने हुए हैं यहाँ पे बिक रहे थे, ये देखिए ये झूमर यहाँ पे था, हमें तो बहुत अच्छा लगा झूमर ये। और फ्रेंड्स अब हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर, काफ़ी रात हो गई थी, देखिए समय, देखिए काफ़ी रात हो गई थी, 7:30 बज गया है,
खाना ना बन गया है तो चलते हैं, खाना ना खाते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।